आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, अंडोसर्ग के बाद स्तनधारियों के अंडे के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंडोसर्जन जो है यह किस प्रकार से होता है। कि अंडाशय के अंदर जब पुटकों का परिवर्तन होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंडाशय, और अंडाशय में पुटकों के परिवर्तन के द्वारा या पुटकों के विकास के द्वारा क्या होता है, एक परिवर्तित पूर्ण परिवर्तित जो पुटक होता है या फिर पूर्ण विकसित पुटक का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है ग्राफियन पुटक। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ग्राफियन पुटक का निर्माण होता है, और ग्राफियन पुटक जो है यह LH हार्मोन के प्रेरण में क्या होता है, फट जाता है, इसका संपुटन हो जाता है और अंडोसर्जन हो जाता है, जिससे कि जो अंड होता है, स्तनधारी का जो अंड है स्टूडेंट, यह क्या हो जाता है, यह मोचित हो जाता है और फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है, एक चित्र दिया गया है स्तनधारी के अंडे का, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम स्तनधारी का अंडा है स्टूडेंट्स ये। तो स्तनधारी के अंडे के चारों ओर कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं ये हम देख लेते हैं। स्तनधारी के अंडे के चारों ओर सबसे पहले बाह्य जो आवरण होता है, सबसे बाहर का जो आवरण है, यह पुटकीय कोशिकाओं का आवरण होता है और इसे कहा जाता है, ये जो आवरण है इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो लिख लेते हैं इसका नाम हिंदी में, इसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। और इसके बाद जो आवरण होता है स्टूडेंट्स, यह होता है जोना पेलुसिडा का, जो कि होता है स्टूडेंट्स एक प्रोटीन का आवरण है, बिल्कुल पारदर्शी आवरण होता है, जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका हिंदी में नाम, इसे कहा जाता है जोना पेलुसिडा। इसके अंदर की ओर पाया जाता है स्टूडेंट्स द्वितीय कंडक, और जिसकी जो झिल्ली है ये प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानी जाती है, इसे कोशिका झिल्ली या फिर विटेलाइन झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और ये दिखाए हुए हैं, ये है कि केंद्रक स्टूडेंट्स, और ये न्यूक्लियस या केंद्रक दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ये है इसके अंदर पाई जाने वाली केंद्रिका, और ये है स्टूडेंट केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है वह राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री होती है, और ये दिखाया गया है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो देख सकते हैं कितने आवरण है, ये दो आवरण है, एक तो कोरोना रेडिएटा का आवरण होता है और दूसरा है जोना पेलुसिडा का। तो चलिए देख लेते हैं हम ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया गया है हमारे पास। पहला ऑप्शन जो है ये है कोरियोन जो है यह क्या होता है, यह भ्रूणीय झिल्ली होती है स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली जो है ये कोरियोन, और एक होती है एमनियोन। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यह स्तनधारी के अंडे के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण नहीं है, यह भ्रूणीय आवरण है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन दूसरा दिया गया है हमारे पास जोना पेलुसिडा, बिल्कुल सही है, जोना पेलुसिडा का आवरण पाया जाता है जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और तीसरा दिया गया है कोरोना रेडिएटा, तो ये भी बिल्कुल सही है, बाहर का जो आवरण होता है पुटकीय कोशिकाओं का उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। तो हमारा ऑप्शन तीसरा जो है ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन हमारे पास चौथा दिया गया है 2 और 3, मतलब यहाँ पर दूसरे और तीसरे ऑप्शन का को समाहित कर लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन चौथा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे और तीसरे ऑप्शन को ऑप्शन चौथे में समाहित कर लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन चौथा जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।